बूझो तो सही मैं कहाँ हूँ। जमील प्लीज, ये मजाक का वक्त नहीं है। मुझे बताओ तुम लोग पार्क पहुँच गए हो? हाँ हाँ पहुँच गया, उसको भेज दो। उसे कहो कि बच्चों से मिल ले, फिर मैं बच्चों को ले जाऊंगा। ये वापस नहीं जाएंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम वहां से जल्दी से निकल जाओ, क्योंकि मिकाइल इनको लेके जाने वाला है। क्या कह रही हो जीना, मैं फंस जाऊंगा, बॉस तो मुझे। अरे भाई कुछ नहीं होगा, तुम उनको कहना कि वो जाल देके लेके चला गया ना बच्चों को। क्या बात कर रही हो, बॉस मेरा टेटवा दबा देंगे। अरे तुम कैसे लड़की नुमा आदमी हो। हाँ तुम जाके चूड़ियां क्यों नहीं पहन लेते? जब मैं कह रही हूँ कि कुछ नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। जमील, जमील क्या हुआ? बच्चे कहाँ पर? यही तो खेल रहे थे। बच्चे नहीं मुझे मिल रहे, मैंने हर जगह पे देखे, बच्चे नहीं मिल रहे मुझे। कहाँ जा सकते? टीपू ताने कहीं नहीं मुझे नजर आ रहा। मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। टीपू कहाँ थे? यहाँ पर ही थे बच्चे, यहाँ पे खेल रहे थे, मैं बस वहां चली थी। तानिया अजी पानी पी ले। अजी नहीं पानी चाहिए मुझे, मेरे बच्चे चाहिए। बाजी दो घूंट पानी पी ले। कहाँ जा रही है बाजी? बच्चों को ढूंढने, मेरे बच्चों को ढूंढने, मेरे बच्चे वहां पे खेल रहे थे, कहाँ चले गए? बाजी बच्चे यहाँ नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा बच्चे यहाँ पर नहीं है? मैं उनके साथ खड़ी थी, मैं उनके लिए खाने के लिए कुछ लेने के लिए गई थी, उसके बाद मैं आई, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मेरे बच्चे ही नहीं। बाजी मेरे कहने का मकसद ये नहीं था, मैं तो एक मिनट। किसका फोन? वो मेरी बीवी का फोन है, एक मिनट। अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, मेरे बच्चे को। बाजी बच्चे मिल जाएंगे, आप फिक्र मत करें, एक मिनट बस फोन। हेलो, कहाँ गए बच्चे? ये तो तुम मुझे बताओ, बच्चे कहाँ? तुमने मुझे फंसवा दिया। बकवास ही कर, मैंने क्या मरवा दिया? तुमने उनका ख्याल नहीं रखा और वो अगवा हो गए। जाहिर सी बात है, अगवा हुए बच्चे, और उनके बाप ने अगवा किया उनको। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारे कहने का मकसद है किसी और ने अगवा किया उन्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम जीना? उसने कहा था कि वो तीनों को ले जाएगा। ये बात तुमने तो मुझे नहीं बताई थी ना कि वो। अच्छी तरह पता है कि मैंने तुम्हें क्या कहा था, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बंद करो फोन, मैं उससे करती हूँ। भाजी हम पुलिस को कब फोन करेंगे? भाजी पहले अपने तौर पर तो देख लें, पता कर लें, फिर पुलिस को भी बता दूंगा। हेलो, वो मम्मी बता रही थी कि तुम बच्चे नहीं मिल रहे। क्या मतलब बच्चे नहीं मिल रहे? पता नहीं, मैं बच्चों के साथ वहां पर थी, उनके साथ गड़ी थी, कुछ खाने के लिए लेने गई थी, जब वापस आई तो बच्चे नहीं थे। मैंने हर जगह पे देख ली, मेरे बच्चे नहीं मिल रहे, ना टीपू ना तानिया, पता नहीं कहां पे गए। कहां तुम अभी? जो घर के पास नहीं है पार्क, वहां पर आई थी बच्चों को लेके, जमील भी साथ में, हर जगह देख ली। मैं पहुंच रहा हूं, मैं अभी पहुंच रहा हूं। ये लो खाओ। और ये पूरा खत्म करना है, अगर खत्म ना किया ना तो बाथरूम बंद कर दूंगा। मम्मी के पास जाना है। ले जाऊंगा, पहले ये खत्म करो वरना एक लगाऊंगा। हेलो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मनाहिल को साथ लेके जाना। मैंने कभी अपनी माँ की नहीं सुनी, तुम्हारी कहाँ सुनूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा, सारे प्लान का सत्यानाश कर दिया तुमने। तुम्हारे प्लान का ना, और वैसे भी मैं इतना पागल नहीं हूँ कि फिर से तीनों का जंजाल पाल लूं, वो भी तुम पे डिपेंड करके। एनीवेज मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल कर लूंगा। हाँ हाँ, अब देखते हैं तुम कैसे हल करते हो। जब दोनों अपनी माँ के बगैर मिलकर तुम्हारे दिमाग का भूसा बनाएंगे ना, तब मैं तुमसे पूछूंगी। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और तुम्हारे लिए परेशान हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि उसने 5 साल तुम्हारे साथ कैसे गुजार लिए। अगर मेरे कहे हुए प्लान पे चलते ना तो दोनों का फायदा होता। अच्छा, मैं तुम्हारा भाई हूँ जो तुम्हारी डोली सलाउद्दीन के घर पहुंचाने के लिए अपनी बलि चढ़ा देगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल देती, स्टूपिड। हेलो,
तमीज से बात करो। मैं अपनी जिंदगी खुद बदल लूंगा, तुम अपनी खैर मनाओ। और वैसे भी तुम्हारे जो लूपहोल्स वाले प्लान है ना, इनसे तुम्हें कख नहीं मिलना। ओह शट अप, तुम खुद शराब हो जाओ यार। अगली दफा कोई ढंग का प्लान बनाना। और हाँ, थैंक्स फॉर द टिप। मिकाएल, मिकाएल। सच सच बताओ मुझे, अभी इसी वक्त सच सच बताओ मुझे हर चीज। क्या हुआ था? जो जो हुआ था मैं आपको बता चुका हूं सर। मैं घर की नहीं वहां की बात कर रहा हूं। तुम कह रहे हो कि तुम घर पे फाइलें लेने आए थे? हाँ जी। और जब तुमने मन्नू को उदास देखा तो तुम उसकी खैरियत पूछने अंदर आ गए? जी। और जब उसने कहा कि वो जू जाना चाहती है तो तुमने कहा तुम उसके साथ जाओगे? जी सर। सच बताओ, किसके कहने में तुमने बच्चा अगवा किए थे? हाँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं किया तुमने? हाँ तुमने इसको बोला था कि तुम सू जाना चाहती हो। पागल समझा मुझे क्या? तुम घर से बाहर नहीं निकलती, तुम सू जाने की बात करोगी? इन्होंने कहा था, इन्होंने जाने के लिए कहा था, और बच्चों को भी ले जाने के लिए इन्होंने कहा था। फोन दो, फोन दो मुझे। रात को इतनी लेट किसी से मुसलसल बातें कर रहे थे, वो सारा रिकॉर्ड कहां पे है मैसेजेस का और कॉल्स का भी बता मुझे। सर वो मेरी जाती नौयत की बात है, आप फजूल में शक कर रहे हैं, ऐसा क्यों करूंगा सर? ये उस वक्त भी मुसलसल फोन पे लगे हुए थे, ये फोन पे बात कर रहे थे। फिर मुझे बताओ, वरना मैं फोन कंपनी को कॉल करूंगा, तुम्हारा सारा रिकॉर्ड वो मेरे हाथ में दे देंगे। बताओ मुझे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। ठीक है, अभी फोन करता हूं, पहले तुम्हारी हड्डियां तोड़ूंगा और उसके बाद थाने में पर्चा कटवाऊंगा तुम्हारे ऊपर में। रुक जाए सर, चैन के शॉर के पास है। पास चले? नहीं। आधा और तुम खाना खा दूंगा तो लेके जाऊंगा। हाँ लेकिन अभी बहुत रात हो गई है, सुबह ले जाऊंगा। आप मेरे लिए आएंगे ना? मैं झूठ नहीं बोलता। बोलते हैं। बदतमीजी मत करो वरना एक हाथ लगाऊंगा। आप मार ले फिर अम्मी के बस लेके चले गए। दिमाग मत खाओ मेरा, सो जाओ। अम्मी रो रही होंगी। मैं सुला दूं? मैं अपनी अम्मी और दादा दादी के साथ सोता हूँ, और किसी के साथ नहीं सोता। मेरे साथ नहीं सोओगे? नहीं। जीना, ये क्या हुआ है? कुछ नहीं, बॉस को सब पता चल गया। तुमने बता दिया?
मैं क्यों बताऊंगा, उन्हें खुद पता चल गया। मरवा दिया ना, मैं जानती थी कि तुम यही करोगे। बेफिक्र हो, मैंने तुम पर इल्जाम नहीं आने दिए, सारे इल्जाम मैंने अपने सर ले लिए। कैसे? मैंने कहा कि मैंने मदद की थी मिकाइल की बच्चों को अगवा करने में। तो मेरा नाम तो कहीं नहीं आया ना? नहीं, अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन अगर उस मिकाइल ने बता दिया तो? मिकाइल कुछ नहीं बताएगा, और तुम मिकाइल को छोड़ो, तुम मुझसे शादी कर लो। शादी? ये शादी कहां से आ गई है बीच में? मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, बॉस के पीछे जाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मुझसे शादी कर लो। अच्छा ठीक है, थैंक यू, अब तुम जा सकते हो। जीना, मैं सब कुछ छोड़कर आया हूं तुम्हारे पास। मुझ पे एहसान मत जताओ, तुम खुद पकड़े गए हो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। मैं तुम पर एहसान नहीं जता रहा हूँ, मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे प्यार में किया है। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अब जाओ। ऐसा मत करो जीना, मेरी बात तो सुन लो। तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं पकड़ी जाऊं? देखो जीना, मुझसे नजरें मत फेरो। देखो, जब तक तुम पकड़े नहीं गए थे सब ठीक था, अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अपने गांव चले जाओ, बस चले जाओ। मुझे पता, जमील क्या कर रहे हो? यही करोगी तुम मेरे साथ? करोगे? पता था मुझे मेरे साथ यही करोगे। जमील जाओ यहाँ से, निकलो मेरे घर से बाहर। चला जाओ, पागल समझ के रखा हुआ तुमने मुझे। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मैंने कहा ना यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। शोर मचाओगी? मचाओ, शोर मचाओ, अब मुझे किसी का डर नहीं है। मैं तो डूब गया हूँ ना, लेकिन तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा मैं। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। मैंने कहा ना जमील, मेरे घर से जाओ। इतने आराम से नहीं जाऊंगा मैं तुम्हारे घर से। देखो मुझे तुम्हारे इष्ट में क्या से क्या कर दिया मैंने, देखो क्या हाल हो गया मेरा। तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे घर से चला जाऊं? तुम्हारे पास अब सिर्फ एक ही इलाज है, मुझसे शादी कर लो। शादी? मैं कैसे तुमसे शादी कर लूं? तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हें उनका वास्ता है, यहां से चले जाओ। जीना, मेरे चीखने चलाने का कोई फायदा नहीं, बैठे रहो यहां पर आराम से, जा रही हूं मैं सोने। बाप अपने बच्चों को अगवा नहीं किया करते, उनको अपने पास ले आते हैं। तो आज तुम्हें याद आ ही गया कि तुम उनके बाप हो। तुम्हारे शक करने का कोई रीजन है? लगता है उस दिन की मार का असर खत्म हो गया तुम्हारे पे। जमील से प्लीज बस करते दोनों, तुम दोनों को जो करना है करो, लेकिन वल्दियत में मेरा नाम ही आएगा, तुम्हारा नहीं। नाम ही चाहिए ना तुम्हें? तो ठीक है रख लो नाम, आई डोंट माइंड। बच्चे वापस करो। बच्चे तो मैं वापस नहीं करूंगा, जो करना है कर। देखो मेकाल, बच्चे मेरे बगैर नहीं रह पाएंगे। तुम्हें से क्या फर्क पड़ता? तुमने वैसे ही इसके साथ शादी करके नई फैमिली स्टार्ट कर लेनी है, ये दोनों तो सिर्फ एक्स्ट्रा बन के रह जाएंगे तुम्हारी जिंदगी में। क्या बकवास कर रहे हो? लिमिट में रहो अपनी, बच्चे मेरे पास ही रहेंगे बस। एक मिनट मेकाल, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, मैं इनसे शादी नहीं कर रही। मनु? हाँ मैं सच कह रही हूँ, मेरा इनसे शादी करने का कोई इरादा नहीं है, बस मुझे मेरे बच्चे दे दो, मुझे उनसे मिलना है। आप क्या समझते हैं? मुझे नहीं पता मेरे लिए अच्छा और बुरा क्या है। मैं चाहे आपको जितनी जाहिल और स्टूपिड लगूं, लेकिन मैं अपने लिए फैसला कर सकती हूँ। मुझे बस मेरे बच्चे चाहिए बस। मनु, नहीं तो कभी तुम्हें जाहिल और स्टूपिड नहीं समझा। आप दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक तरह के हैं और मुझे दोनों ही अच्छे नहीं लगते। वाह, व्हाट अ ट्विस्ट, आई एम इंप्रेस्ड मिनहिल। चलो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूं।
वापस आ जाओ। सीरियसली मुझे तुमसे पहले से कोई मतलब नहीं था। तुम आराम से ऊपर वाले पोर्शन में रहना, मैं नीचे रह लूंगा। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने आप से बच्चों को दूर नहीं करूंगा। मुझे जाना होगा। मिकाएल, मिकाएल, मुझे प्लीज मेरे बच्चों से मिलवा दो बस। नो, चुप हो जाओ। नो मिकाएल, बस थोड़ी देर के लिए मिलवा लो चाहे मुझे। प्लीज मैं उनको देखना चाहती हूँ, उनसे बात करना चाहती हूँ। तुमने पागल समझा हुआ है मुझे? मैं पागल नहीं हूँ मिनाहिल। अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार। मैंने तुम्हें ऑफर दे दी है मिनाहिल, अब चॉइस तुम्हारी है। आराम से सोचकर, आराम से सोचकर फैसला करो। किसी चीज की जल्दबाजी नहीं है। नहीं, घर से चला जाऊं। तुम्हारे पास अब सिर्फ एक ही इलाज है, मुझसे शादी कर लो। सलाउद्दीन आ गए बच्चे? मैं कुछ पूछ रही हूं, बच्चे किधर है, मनु कहाँ है? मनु, बच्चे किधर है? क्या उधर ही छोड़ आई? अल्लाह, मुझे मेरा बच्चे नहीं दे रहा। क्या मतलब है नहीं दे रहा? सलाउद्दीन मेरी बात तो सुन पहले, आखिर हुआ क्या है? जबरदस्ती क्यों नहीं लेके आया बच्चों को? हक नहीं था मेरा, बस। अच्छा बस बस, सब ठीक हो जाएगा। आओ मेरे साथ अंदर चलो। आओ, रोते सब सही हो जाएगा, लेकर आएंगे। मुझे क्या क्या सिखा के चले गए, क्या फायदा हुआ? I've lost it. जमील,
मैंने कहा ना जमील, मेरे घर से जाओ। इतने आराम से नहीं जाऊंगा मैं तुम्हारे घर से। देखो मुझे, तुम्हारे इश्क में क्या से क्या कर दिया मैंने, देखो क्या हाल हो गया मेरा। तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे घर से चला जाऊं, तुम्हारे पास अब सिर्फ एक ही इलाज है, मुझसे शादी कर लो। शादी? मैं कैसे तुमसे शादी कर लूं? तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हें उनका वास्ता है, यहाँ से चले जाओ। जीना, शुक्रिया आप आ गए, मुझे शैतान से बचा ले प्लीज। किधर है वो? हाँ जाओ यहां से, निकल जाओ, दफा हो जाओ यहां से। बासी एक्टिंग कर रही है। एक्टिंग कर रही? हाँ झूठ बोल रही है ये। ठीक ये सुनो, ये भी एक्टिंग है क्या? झूठ है ये क्या? क्या से क्या कर दिया मैंने? हाँ समझता था कि तुम सुधर गए हो, लेकिन आज पता चला कि तुम इतने घटिया हो कि अपने मकसद को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो तुम। सलाहुद्दीन, आपको नहीं पता कि कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ था, कहता था कि मैं आपको छोड़ दूं और इससे शादी कर लूं, उसके बाद बहुत पैसे। ऐसे झूठ बोल रही, मेरा यकीन करें झूठ बोल रही। मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं झूठ बोल रही हूँ? तुमने ये नहीं कहा था कि तुम अपनी फैमिली को छोड़ के मुझसे शादी कर लोगे और बार बार फोन करके मुझे हरास करते थे? तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जीना? सलाहुद्दीन ने मुझे बहुत धमकाता था और मुझे लगता था कि आप इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं इस पे, मुझे तो कभी नहीं मानेंगे। आप किसको फोन करें? पुलिस को। अरे नहीं नहीं, क्या हो गया आपको? खामे खामे मेरे लिए इतनी बातें होंगी, गलत सलत हर तरफ, प्लीज मेरा नाम खराब होगा। आप बस इसे कहें कि कराची छोड़ के चला जाए और आइंदा मुझे कभी तंग ना करें। सुन लिया तुमने? ये मेरी गलती है जो बहुत पहले तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले लेना चाहिए था। अब अगर मुझे पता लगा कि तुम मेरे किसी भी जानने वाले के करीब आने की कोशिश कर रहे हो तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मैं जमील। अंडरस्टूड? समझ नहीं आ रही मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूं तुम्हें पहचानने में। जाओ यहां से, निकल जाओ इससे पहले कि बॉस। गेट आउट नाउ, दफा हो जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। थैंक यू, थैंक यू सलाहुद्दीन, अगर आप आज ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। इट्स ओके जी, इट्स ओके, इट्स ओके। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ इधर। देखो तुमने बहुत समझदारी से सारी सिचुएशन को हैंडल किया, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, लेकिन प्लीज अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो एटलीस्ट मुझे बता देना। हाँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूं? कहो। नहीं लेकिन आप माइंड कर जाएंगे। नहीं करता जीना, बताओ। आप प्लीज आज रात यहाँ पे रुक जाओ, मेरा मतलब है सुबह में जब सिक्योरिटी गार्ड आएगा ना तो मैं उसे कह दूंगी कि इस बंदे को करीब से भी ना गुजरने दे, लेकिन अभी अगर कहीं वो छुप के बैठा हुआ आपके जाने के इंतजार में तो मेरा क्या होगा? अच्छा भी टेक इट इजी, रिलैक्स, देखते हैं। अब रुक जाएंगे ना? सो जा। सोनी जी सोनी जोड़ो
सो जा। मैं ट्राई करूं? अगर आप गोद में लेके चलेंगे तो सो जाएगी। कहाँ चलूं? यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। कभी कभी इसकी नाक बंद हो जाती थी ना, तो जैना मामा जी ने इसको इधर से उधर लेके पूरी रात तक इधर से इधर लेके चलती थी। बाबा पीठ पे आकर के सो जा बोले। सो जा। या अल्लाह, खाला आप जाके कमरे में सो जाए। अरे बेटा तू रो रो के हलकान हो गई है, कैसे चली जाऊं तुझे छोड़ के? पता नहीं वो मेरे बच्चों के साथ कैसा सलूक कर रहा होगा। अरे क्यों फिक्र करती है, बाप है उनका, अपने बच्चों से मोहब्बत तो होगी। अपने माँ बाप से तो थी नहीं, बच्चों से क्या होगी। बेटा जब मासूम बच्चा रोता है ना तो सख्त से सख्त दिल भी पिघल जाता है। अल्लाह पे भरोसा रखो, अब देखना सलाउद्दीन समझाएगा ना भेज देगा बच्चों को वापस। अब सलाउद्दीन का कोई फोन आया? पता नहीं कहां चला गया। अच्छा ये बताओ कि वो ये क्यों कह रहा था कि मेरा बच्चों पे कोई हक नहीं था? ताने, देखो बेटा उसका बड़ा ख्याल रखना, बहुत चाहता है वो तुम तीनों को। सच तो यह है कि मैं खिलाफ थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जिंदगी तो तुम दोनों को गुजारनी है, हमें थोड़ी। आपको वाकई कोई एतराज नहीं? बल्कि मैंने तो सोचा था कि बच्चे आ जाएंगे ना तो उनको कहूंगी मुझे दादी कहे। अब तानिया को देखो कैसे बहाने बनाती है मेरे पास सोने के लिए। आपने तो बहुत कुछ सोचा होगा ना उनके लिए। हाँ सोचा तो था, लेकिन अब तो अगर मलके हुसन भी आ गई ना तो उसे भी नहीं देखेगा। अब बड़ा चलाक है, उसे पता था इतनी आसानी से तुम नहीं मानोगी तो जा रहा था तुम्हारे माँ बाप से बात करने। मैंने भी कहा ठीक ही कहता है, मन्नु हमेशा की जिद्दी है। मुझे किसी की बद्दुआ नहीं चाहिए। किसकी बद्दुआ? जीना की। अरे तौबा करो बेटा, कोई ऐसे थोड़ी होता है कि किसी की भी बद्दुआ लग जाए।
अल्लाह हमारे दिलों का हाल जानता है। अब जब हम किसी का बुरा नहीं चाहते तो भला हमारे साथ बुरा क्यों होगा? मेरे साथ तो हुआ ना, मेरे बच्चों को ले क्या हुआ? बस बेटा बस, सब ठीक हो जाएगा। देखना दो दिन में घबरा के वापस छोड़ के जाएगा। अच्छा अब लेट और सो जा बेटा, वरना फजर का वक्त भी निकल जाएगा। चल शाबाश, लेट जा बेटा। या अल्लाह रहम कर बाबू। आए आए तानिया के कपड़े, इसमें मेरे कपड़े। आपके सुबह हम मामा के पास ले जाएंगे। ले जाऊंगा। ये क्या? एक सेकंड। हाँ हाँ नीचे। हाँ 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 हाँ। ये जोर से नहीं करे, दर्द होगा। ऐसे नहीं बोलते, मामा मना करती है। तुम लोग रोजाना सुबह इतनी जल्दी उठ जाते हो? नहीं तो फिर आज क्यों उठे? दूध पीने के लिए उठा था। अच्छा मैं दूध बना के लेकर आता हूँ, ठीक है? तुम तानिया का ख्याल रखना, देखना कि ये गिर ना जाए। मैं जरा तुम्हारे खालू के लिए चाय बनाती हूँ। खाला आप रहने दे, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं बेटा, मेरे हाथ की चाय नहीं पियेंगे ना तो चैन नहीं आएगा। ऐसे ही है बस, अल्लाह जाने रात सलाउद्दीन आया भी कि नहीं। फोन उठाएंगे या नहीं? खाला कह रही थी इसीलिए फोन किया। नहीं, खाला परेशान हो रही थी इसीलिए फोन किया। पता नहीं, मेरा ख्याल है मन्नू का फोन था, कट गया है। आप थोड़ी देर बाद फोन कर लीजिएगा ना, अभी तो बहुत नींद आ रही है। क्या देख रहे हो? आप ऐसे ही बोल रहे थे ना। क्या आप मुझे मामा के पास नहीं लेके जाएंगे ना? आपका घर ये है,
वो नहीं। मामा तो वहाँ हैं। मैंने तो कहा है आपकी मामा को के वापस आ जाएं। नहीं आएंगी। कैसे पता? बस बताओ ना क्यों नहीं आएंगी। इसलिए आप उनको डांटते। अच्छा मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा। फिर आएंगी और तुम बोलोगे मामा को तो वो आ जाएंगी। बाबा मुझे सुबह में नंगल अच्छे लगते हैं। और मैं तुम्हारे सुपरमैन अंकल की तो ना मैं को ऐसा रुलाऊंगा ना एक दिन याद करेगा वो। ऐसे नहीं बोलता गंदी बात होती है। अच्छा भाई तुम अपनी मामा को बोलोगे कि वापस आ जाए। फोन करें उन्हें कर ले। गुड मॉर्निंग। मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। देर हो गई पता ही नहीं चला। I'll take that as a compliment. नाश्ता? जीना ये तकलीफ करने की क्या जरूरत है? इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? अब आप भी बिल्कुल तकल्लुफ ना कीजिएगा और जम के खाइएगा। नहीं मुझे मुझे घर जाना चाहिए। सब परेशान हो रहे होंगे। मुझे तो आप परेशान लग रहे हैं। क्या हुआ है? कुछ नहीं। भरोसा नहीं रहा मुझ पे। साहिर अब आप क्यों मुझसे कोई बात शेयर करेंगे? ठीक है जाना है तो जाए। मैं कौन होती हूँ आपको रोकने वाली? मन्नू नहीं मान रहे मुझसे शादी करने के लिए। क्या? मुझे नहीं पता कि तुम्हें मालूम है कि नहीं लेकिन मैं कई बच्चों को ले गया। तभी वो आपसे शादी नहीं करी। वो वहां वापस जाना चाहती है। पता नहीं मिकाइल ने तो यही कहा उसको लेकिन तो कैसे जा सकती है? औरत अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। वैसे एक बात बताऊं अगर मैं उसकी जगह होती ना तो मैं भी यही करती। क्या मतलब क्या कह रही हो तुम? यही कहना चाह रही हूँ कि जब औरत किसी की हो जाती है ना तो बस फिर उसी की हो जाती है। फिर मर्द अगर उसे छोड़ भी देता है ना तब भी वो उसे नहीं छोड़ पाती। नहीं दोनों में ऐसी कोई अटैचमेंट नहीं थी जीना। अटैचमेंट ना होती तो फिर वो आपसे शादी क्यों नहीं करे? आपसे अच्छा कोई मिल सकता है उसे? मैं आपको बता रही हूँ वो उसी के पास वापस जाना चाहती है। फिर कैसे जा सकती है कि तो तलाक हो चुकी है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आप देख लीजिएगा वो दोनों कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे। मनु को सिक्योरिटी मिल जाएगी और बच्चों को अपना बाप। औरत बच्चों के आगे कुछ नहीं देखती।